नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी ट्रेंड पे। ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसका फोरेक्स में और कोई भी चार्ट एनालिसिस हो उसके अंदर, चार्ट के अंदर ट्रेंड एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है जी, तो जो कंप्लीट अपने जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग चलते हुए हम आज 9th चैप्टर अपना उस पर पहुँच चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग अब जो है आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, वो है फोरेक्स ट्रेडिंग पैटर्न स्टडी और ट्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है जी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, क्या होते हैं, और पैटर्न स्टडी क्या होती है, ये चीज़ें दिखाने के लिए। ठीक है जी, तो जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मेरे पीछे, तो ये क्या होता क्या है इन टेक्निकल एनालिसिस जो टर्म होती है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि फोर्स होता है सप्लाई का और डिमांड का, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो है दोनों आपस में मीट करती है, जहाँ पर मैच होती है। ठीक है जी, वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर या तो सपोर्ट होता है वो या रेसिस्टेंस होता है। वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं जैसे क्या होता है, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं इसमें। एक तो साइड वे ट्रेंड्स, जो क्या है कि साइड वे ट्रेंड जो है रेंज बाउंड ट्रेंड होता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बार बार में आ रही है जा रही है, वहीं उसी रेंज बाउंड के अंदर हमारी ट्रेड है जो घूम रही है, प्राइस जो है उसी के अंदर घूम रहा है और वो बार बार में वहीं पर आकर एक्शन लेता है, अभी एक लेवल बना दिया जाता है उसके अंदर। ठीक है, पैरेलल जिसमें चलते हैं, उसमें ज़्यादा हलचल नहीं होती उस पर। दूसरा होता है अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ होती है ऐसे। ठीक है जी, और सेकेंड मतलब थर्ड जो है डाउनवर्ड ट्रेंड, जो नीचे की तरफ मूवमेंट चलती रहती है उसमें। उसमें क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई बनाता रहता है हर बार, हायर हाई हायर हाई। और लो ट्रेंड में भी सेम ऐसा होता है कि लोअर लो बनाता रहता है, जहाँ पर लोअर लो बनता रहता है वहाँ पर ट्रेंड डाउनवर्ड में है, और जहाँ पर अपर हायर हाई बनता रहता है वहाँ पर अपवर्ड का ट्रेंड होता है। ठीक है जी, तो अब क्या होता है, मैं जैसे जस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो पैरेलल जो सब वे जिसको बोलते हैं साइड वे इस जो ट्रेंड है उसके अंदर ऐसे इस टाइप से हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक ऊपर रेड लाइन है जो ऊपर रेसिस्टेंस आ गया हमारा, और नीचे जो है ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन क्या है, हमारी सपोर्ट लेवल है। ठीक है जी, तो अब ये सपोर्ट लाइन को पार नहीं कर पा रहा है नीचे, यहाँ पर सपोर्ट लाइन पे और रेसिस्टेंस के ऊपर जो बायर और सेलर है वो आपस में मैच हो रहे हैं, अभी जो बिड लगा रहे हैं उनके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऑर्डर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऊपर जा रहा नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं, ऑर्डर का ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, ये है साइड वे ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड की बात करें हम, तो अब ट्रेंड ऐसे होता है हायर हाई हर बार में, मतलब ये लोअर लो है। ठीक है, ये हायर लो इसका पहले ये बना था। ठीक है, अब ये है हायर हाई, इसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे लो बना, लोअर लो, इसका लोअर लो पिछला लो था ये वाला। ठीक है जी, लेकिन अब जो लो है वो है ये, अगले जो पॉइंट अलग रही इसमें ये वाला। ठीक है, फिर लोअर जो लो है इसका इस लो को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो अब ये यहाँ पर दोबारा हाईर हाई पीछे वाले हाई को क्रॉस करके एक और हाई बना दिया इसने, मतलब हर बार हाई को क्रॉस करता रहता है तो वो हायर हाई में आउट होते रहता है। ठीक है जी, इसी तरह फिर एक आता है डाउन ट्रेंड। ये अब ट्रेंड करेंसी में कैसे किया करेगी, मतलब मूवमेंट कैसी रहेगी हमारे चार्ट के अंदर, वो ये चीज़ दिखाई है। तो जहाँ पर पीक आई वहाँ पर फिर नीचे गिरेगा, लेकिन जहाँ पर मतलब बायर साइडर कमज़ोर पड़ जाते हैं नीचे गिरने लगता है, फिर एकदम से जो सतह उन्हें फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या है रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट एंड रन, रेस्ट एंड रन, रेस्ट एंड रन, मतलब रेस्ट करता है एक पर्टिकुलर पीरियड में और फिर रन करता है, फिर रेस्ट करता है फिर रन करता है। मार्केट प्राइस है इसी तरह से अपवर्ड ट्रेंड बढ़ाता है। फिर आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, जो लोअर लो है हर बार लो है पिछले लो से नीचे की तरफ लो बनता रहता है। ठीक है जी, हायर लो और लोअर लो, मतलब जो है लोअर लो है उसका लो हर बार नीचे के नीचे, पीछे वाला लो है उसको क्रॉस करते हुए नीचे लो एक और बना देगा। ठीक है, वहाँ से ऊपर होएगा फिर। ठीक है जी, इसी तरह से एक रेसिस्टेंस सपोर्ट लाइन बन जाती है इसके। ठीक है जी,